वेलकम टू आवर चैनल टिंग नाउ गर्ल्स। मैं अवनी, मैं पूजा और मैं शिवानी। और गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे सामने रखी हुई एक थाली, एंड मैं आपको बताती हूँ मेरी थाली में जो रखा है वो है मटर कुलचा। आप लोग देख सकते हो मटर कितनी ज्यादा टेस्टी है। इसमें जो गार्निशिंग होती है प्याज टमाटर धनिया की वो इसको और ज्यादा स्वादिष्ट बनाती है। उसके बाद ये सॉफ्ट सॉफ्ट से कुलचे, एंड ये है मेरा दही भल्ला जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट, एंड दही की तो हर डिश मेरी बहुत फेवरेट होती है। उसके बाद ये गुलाब जामुन जो मेरे को बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। और मेरी प्लेट में रखे हैं छोले भटूरे, एंड आप देख सकते हो हमारे छोले कितने ज़्यादा मसालेदार लग रहे हैं, एंड उसी के साथ ही जो हमारे भटूरे बहुत ज़्यादा बड़े एंड बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हैं ये। एंड उसके साथ मैंने ली है दूसरी प्लेट में आलू टिक्की, ये भी बहुत ज़्यादा यमी लग रही है क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा मीठा तीखा होता है। और गाइस मेरे सामने रखी है पाव भाजी, आप देख सकते हैं भाजी कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है और कितनी ज़्यादा तीखी तीखी सी लग रही है, एंड बहुत ज़्यादा चटपटी भी लग रही है। और ये हमारे पाव हैं छोटे छोटे पाव, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी। ऐसे के साथ हमारे चटपटे आलू चाट, और इसी के साथ रखा है छोला समोसा चाट। आप देख सकते हैं इसमें छोले भी हैं और समोसा भी है और प्लस चाट भी है, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन है और बहुत ज्यादा यमी लग रहा है दिखने में भी और खाने में भी होने वाला है। सो गाइस हम सभी ने अपने अपने टेस्टी टेस्टी डिशेज एक्सप्लेन कर दिया आपको, और जैसे कि आपको पता है कि जो ये चैलेंज जीत जाएगा यमी यमी माउथ वाटरिंग डिशेज के साथ उसको मौका मिलता है पनिशमेंट देने का। तो वो दो लोग कौन होंगे जो आज पनिशमेंट लेंगे ये तो आपको चैलेंज के एंड में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस शुरू करें। यस 3 2 1 गो। टेस्टी था, इतने ज्यादा सॉफ्ट कुलचे और ऊपर से मटर इतनी ज्यादा यमी मैं कुछ बता नहीं सकती। और लास्ट में तो मेरा जो मुंह मीठा कर रहा है ना अपना। तो गाइस अब चलते हैं फटाफट से की करते हैं पनिशमेंट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बेताब हूँ। तुम बेताब हो पर रुकते जाओ, सब्र तो करो कि हमें बताने दो कि हमने भी जो खाया है वो भी तुमसे कम नहीं था, बट जीत गए तुम वो बड़ी बात है। गाइस ओवरऑल फूड तो बहुत टेस्टी था, बट इसमें मेरे को थोड़ी सी कमी लग गई क्योंकि मुझे समोसा चाट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं खाने की कोशिश कर रही थी, मैंने फर्स्ट बाइट ली थी, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मजा नहीं आया बिल्कुल भी, बट पाव भाजी खाने में मुझे मजा आ गया। अगर
गाइस मेरे छोले भटूरे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे एंड उसके बाद ये आलू टिक्की, इसमें मीठी वाली चटनी थोड़ा डिफरेंट टेस्ट कर रही थी इसलिए मैंने थोड़ी खाई है, बट कोई बात नहीं, हम कर लेंगे पनिशमेंट, है ना शिवानी? और नहीं तो क्या, ऐसे ही पनिशमेंट दूंगी जो तुम्हारी हिम्मत को ऐसे हिला दे। चलो गाइस डरते थोड़े ना। सो गाइस हम पनिशमेंट करने आ गए हैं हमारे दो छोटे छोटे पेंगुइन्स के साथ, एक की तो पूरी ड्रेस भी मैच कर रही है, ये देखो एक हमारा थोड़ा अलग प्रजाति का पेंगुइन है। तो गाइस थोड़ा वॉक करके दिखाओ, पेंगुइन वॉक करके दिखाओ, चलो चलो चलो, ये देखो लुढ़कती भुड़कती पेंगुइन्स। ओह गॉड, बस 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 बस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉक, इट्स ओके, हम कैमरे के पास भी आ सकते हैं। इनकी इनको पनिशमेंट बता देती हूँ, इसका तो डिसबैलेंस ही हो जा रहा है तब से, इसे पकड़ना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है अभी लुढ़क जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो इनके पैरों को मैंने टेप से कैसे बांध दिया है, एंकल एंड गैप बहुत ही मिनिमल है जिसमें ये नहीं चल पाएंगे। तो अब इनको क्या करना है, सो गाइस जैसे कि पता है कि बचपन ताजा हो जाएगा ऐसे पकड़ के, हम करते हैं ना ऐसे, मैं भी कर नहीं सकती नहीं तो बेचारी उड़ जाएंगी दोनों हमारे, तो ऐसे करके इन दोनों को साथ में घूमना है। और कब तक घूमना है मैं बताती हूँ, मैं 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग करूंगी, तब तक इनको घूमते ही रहना, अभी कैसे भी घूमे, जंप कर करके घूमे या फिर ऐसे ऐसे घूमे, आई डोंट केयर, बस इन्हें घूमते रहना है, घूमते रहना है, घूमते रहना है, और वो भी बिना रुके। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं 1 से लेकर 100 तक कितनी भी स्पीड में काउंटिंग गाऊं, ठीक है? तो वैसे गाऊंगी 1, नहीं इसमें तो मैं भी है ही नहीं, इसमें तो मैं भी बोर हो जाऊंगी ना यार। तो चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद द पनिशमेंट। ओके रेडी? ओके रेडी, 3 2 1 गो। 1 2 3 4 5 6 आजादी मिल गई मुझे। ओहो कैसे चलती होंगी बेचारे पेंगुइन, मैं तो एक ही मिनट में मर गई। आपको लग इजी रहा होगा कि बहुत इजी है ऐसे, लेकिन ये बिल्कुल इजी नहीं है। जब हम कूद रहे थे ना तो कूदने से इतना ज्यादा थक गए थे कि हम चल रहे थे, और चलने में तो कूदने से भी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो हम सोच रहे कि हम कूदे या चले, इतनी ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी इस पनिशमेंट में भाई। देखो गाइस इतनी यू नो माइंड ब्लोइंग पनिशमेंट्स माइंड ब्लोइंग ब्रेन्स आती है। तो गाइस आई होप कि आपको ये पनिशमेंट और हमारा चैलेंज पसंद आया, अगर पसंद आया डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।